वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रिंटर? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिंटर क्या है। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइसेज हैं। दो डिवाइसेज होती हैं, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसके वो कंप्यूटर जो होता है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करके हमें आउटपुट देता है। और इनपुट डिवाइसेज में आ जाता है कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर आ जाता है, क्योंकि जो डाटा होता है मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है वो आउटपुट डिवाइस आ जाता है, क्योंकि डाटा हम उसको मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, उधर से देख के हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेज में आ जाता है। ऐसे ही जो प्रिंटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो प्रिंटर जो है जो डाटा को प्रिंट करता है, किसी भी फॉर्म ऑफ डाटा को प्रिंट करता है पेपर की फॉर्म में, किसी डाटा की फॉर्म को प्रिंट करता है पेपर की फॉर्म में। डाटा जो होता है वो सिंबल में भी हो सकता है, ग्राफिक्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, तो वो उसको पेपर की फॉर्म में प्रिंट करता है। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर प्रिंटेड चीज़ करके बाहर निकालता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दो टाइप्स हैं प्रिंटर की, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेज़र, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको प्रिंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।